तो दोस्तों मेरे पास है वीवो कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन जो आप देख सकते हैं, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस फ़ोन के बारे में पूरी जानकारी पा सकें। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये है वो फ़ोन जो अभी बहुत पॉपुलर है, V25, और बहुत सारे लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं, और ये इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स के साथ आता है। और जो इसमें सबसे अच्छा जो फीचर्स है उसका ये है कि जो इसमें कलर चेंजिंग का जो फीचर्स है वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। इसमें स्क्रीन की क्वालिटी हो या बैटरी हो या परफॉर्मेंस, ये दोस्तों किसी में भी पीछा नहीं है, और इसको काफ़ी मतलब अच्छी एक रिव्यू मिला है काफ़ी जगह वीडियो पर मैंने देखा है। तो उसको हिसाब से मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया और 3-4 दिन लगभग यूज़ किया, उसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ कि हाँ ये मेरे को काफ़ी पसंद आया। लेकिन सिर्फ पसंद की बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसे प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं जो मुझे लगा कि हाँ इसके बारे में और आपको जान लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखते हैं और जानते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले की। तो दोस्तों इसमें हमको 6.5 इंच का सुपर HD एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, और ये कर्व शेप में आता है जो कि हमको एक यूनिक लुक देता है और प्रीमियम फील करवाता है। दोस्तों इसमें जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, रिफ्रेश रेट वो 120 हर्ट्ज़ का आता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अब इसके बैटरी की। तो दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है, जो कि 4830 का आता है, और ये पूरा एक दिन अच्छे से चल जाता है पूरा हैवी यूज़ के बाद भी। तो दोस्तों आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर आपको नॉर्मल यूज़र है तो आपको ये 2 दिन तक भी चल सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरे किसी और चीज़ पे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में, जो कि इस डिज़ाइन को देख करके काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं। इस फ़ोन का जो कलर चेंजिंग फीचर्स है वो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी डार्क भी होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये कितना चेंज करता है अपने आप में, ये कैसे रंग बदल लेता है अपना। तो दोस्तों इसकी डिज़ाइन और है जो इसका कर्व शेप इसको और एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक देता है, इसमें आप देख सकते हैं, और ये आपको भी अच्छा ही लगेगा, काफ़ी लोगों को ये पसंद आ रहा है ये वाला डिज़ाइन जो इधर से कर्व कर रखा है और साथ में डिस्प्ले की तरफ से भी कर्व, जो हमको एक अच्छा फीलिंग प्रोवाइड करता है और ग्रिप भी बनाने में हेल्प करता है, तो पकड़ने में भी काफ़ी सही है ये फ़ोन। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आगे कि आगे इसमें और क्या क्या खासियत है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों इसमें हमको MediaTek का 3100mm ऑक्टा कोर 3 GHz पर चलने वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक हैवी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, जो कि गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, और इसमें आप हैवी से हैवी गेम आसानी से खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें देख बताते हैं कि इसमें रैम कितना मिलता है। तो दोस्तों ये जो मेरे हाथ में ये है स्मार्टफोन, इसमें 8 GB वाला वेरिएंट है, आप इसको 12 GB वाले में भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 256 GB और 128 GB, जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग या यूजेस के अनुसार। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि और क्या है इसके फीचर्स। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। तो दोस्तों कैमरा किसी भी फ़ोन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हम अच्छी वीडियोस या इमेज को हम ले सके। तो दोस्तों इसमें जो हमको कैमरा देखने को मिलता है वो है 64 MP, 8 MP और 2 MP, और जो फ्रंट में हमको देखने को मिलता है वो है 32 MP। तो दोस्तों इसके जो मैं कैमरा के सैंपल्स है वो भी आपको शेयर करूंगा, और इसमें जो कैमरा जो आता है वो हमको OIS के साथ आता है, जो पहले 23 प्रो के साथ नहीं आता था, तो वो इस फ़ोन में हमको मिल जाता है। तो स्टेबलाइजेशन और बाकी जो सैंपल्स है कुछ वीडियोस या इमेजेस, तो वो भी आप इसमें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इनके कुछ सैंपल्स को।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोज है दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला प्रोज है वो ये है कि इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी के साथ आता है, जो आपको डे लाइट और लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इस रेंज के मैंने अब तक जितने भी स्मार्टफोन देखे हैं उनमें से ये काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आगे इसमें और क्या है। तो दोस्तों इसकी कैमरा जो है वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जो फ्रंट है वो भी है और बैक जो रियर है वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है, अच्छी क्वालिटी का वीडियो कैप्चर कर लेता है। तो दोस्तों इसका जो कर्व डिज़ाइन है वो भी एक अच्छा है, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आता है। तो ये डिज़ाइन भी एक प्रोज हो सकता है आपके लिए। और इसका डिज़ाइन की बात करें तो दोस्तों डिज़ाइन जो है इसका कलर चेंजिंग वाला जो फीचर्स है उस वो इसको और ज़्यादा एक यूनिक इस फ़ोन को बना देता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इसका जो प्रोस है वो परफॉर्मेंस में भी है। तो दोस्तों इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी एक अच्छा प्रोज है, जो कि हम गेमिंग के दौरान कोई भी ऐसा इशू नहीं फेस करते जो हमको दिक्कत दे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो मेरे को सबसे पहला कॉन्स लगा वो ये है कि इसमें हो सकता है आपको शुरू में कुछ सॉफ्टवेयर इशू मिले। जो मेरे को मिला है वो भी मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें मेरे को जो इशू मिला है वो ये है कि अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं तो उसमें आप जब भी अपने वीडियोस को अपलोड करने जाएंगे तो वहाँ पर अनएबल टू व्यू या अनेबल टू प्रीव्यू ऐसे कुछ लिख करके एरर आ जाता है। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको कोई सॉफ्टवेयर काइन मास्टर या फिर कोई और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पहले वहां से प्रोड्यूस करके फिर अपलोड करते हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ये एक अपडेट के बाद आपका ये जो इशू है वो फिक्स हो जाने वाला है। तो दोस्तों इसका जो दूसरा कॉन्स है वो ये है कि इसके साथ जो हमको कन्वर्टर मिलता है हमको 3mm वाला जैक लगाने के लिए, वो मुझको नहीं मिला इस फ़ोन में। तो दोस्तों ये भी एक है, जो कि मान लो मुझे ईयरफोन लगाना हो तो मेरे पास चेंजर होना चाहिए, कन्वर्टर होना चाहिए, तो वो हमको इसमें नहीं देखने को मिला। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कॉमेंट में जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।